नमस्कार, प्रभु साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गोरखनाथ मंदिर में हैं और यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय, जहां पर वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सुबह जनता दरबार लगता है, लोग अपनी समस्याएं लेकर न सिर्फ गोरखपुर के बल्कि आसपास के जिलों से भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। आइए देखते हैं इस कार्यालय में कैसे निवारण होता है लोगों की समस्याओं का और जानते हैं इस कार्यालय की अन्य खूबियाँ। आदित्यनाथ से मिलने वालों का तांता लगा रहता है सुबह से, जब भी मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं, और अगर वो नहीं भी होते हैं तो उनका पूरा कार्यालय है जो कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का हर तरह से निवारण करता है। यहाँ पर आप जो मुख्यमंत्री कार्यालय की आपने तस्वीरें देखी होंगी, दरअसल वो बड़े सुरक्षा के तामझाम और बड़े तरह के प्रबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है। पूरा स्टाफ है जो कि उनकी तरह तरह की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। जो ये कार्यालय है, इसके प्रबंधक हैं श्री द्वारका तिवारी जी, मेरे साथ उनसे बात करते हैं, इस कार्यालय में कैसे काम चलता है इसके बारे में जानते हैं। आपका स्वागत है जी प्रभा साक्षी पर। हमें बताइए कि ये जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, वो कब से लगता है, उसमें किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर लोग लेकर आते हैं? देखिए, जनता दरबार यहाँ तो बहुत कई वर्षों से चला आ रहा है। महंत दिव्यानाथ जी महाराज, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, योगी जी महाराज, तभी से जो है ये जनता दरबार यहाँ चल रहा है। जितने भी फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं को सुनकर, चाहे वो धार्मिक हो, पारिवारिक हो, खेती बाड़ी संबंधित हो, जो भी समस्याएं यहाँ फरियादी लोग लाते हैं उसको सुनकर हम लोग जो हमारे स्टाफ हैं यहाँ कई लोग, ये हमारा कार्यालय 24 घंटा खुला रहता है, यहाँ पर जो भी आएंगे सभी समस्याओं सुनकर उनका हम निस्तारण करते रहते हैं जी। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से, हालांकि आपने कहा कि वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद समस्याओं के जो प्रकार हैं वो भी बदल गए होंगे? प्रकार नहीं, समस्या और भीड़ की समस्या बढ़ गई। भीड़ जब से मुख्यमंत्री बने हैं इतनी भीड़ यहाँ होती है जी। हजारों हजारों लोग जी। रात 10 बजे तक जी। रात में भी यहाँ लोग आते हैं जी। तो उनको हम भोजन करवाते हैं, उनको सुलाते हैं जी। उनका परिचय पत्र ले लेते हैं, समय करके उनको हर तरह से सुविधा प्रदान करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो जी। और अगर जैसे आपने कहा कि रात को लोग भी आते हैं, तो अगर कोई आ गया है एक बार तो फिर वो मुख्यमंत्री से मिलना है उसका हो पाता है? सवेरे वो यहाँ जब 5:30 बजे महाराज जी नीचे आकर के मंदिरों का दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए गौशाला से आकर फिर यहाँ बैठते हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं पर बैठते हैं। जितने भी फरियादी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, सबसे एक एक करके उनकी समस्या को सुनते हैं और समस्या सुन करके उनको जो है संतुष्ट करते हैं, फिर वो यहाँ से दर्शन दे करके फिर आगे चले जाते हैं। और अगर पूछें कि जो आप समस्याओं का समाधान करते हैं उनके सफलता का प्रतिशत क्या है, लोग कितना संतुष्ट रहते हैं? हम तो कोशिश करते हैं हर आदमी को संतुष्ट करने का जी। संतुष्ट भी करते रहते हैं जी। जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक यहाँ से जाएगा नहीं, किसी न किसी रूप में उसको संतुष्ट होना है, हम लोग करते भी हैं जी। और इसके अलावा अभी जैसे कि चुनाव है और ख़ासतौर पर गोरखपुर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, तो जो पार्टी संबंधी बैठके हैं क्या मुख्यमंत्री जी वो भी यहीं पर लेते हैं या उसके लिए कुछ अलग से कार्यालय बनाएंगे? ना, उनका अलग है व्यवस्था, यहाँ व्यवस्था, उसका कार्यालय यहाँ नहीं है जी। उसका कार्यालय केंद्रीय कार्यालय मोहद्दीपुर में है जी। भाजपा कार्यालय वहाँ आपका बेनीगंज में है, शहर में ही सारे कार्यालय वहाँ पर, वहीं पर बैठकें होती हैं, वहीं पर लोग जाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो फरियादी आते हैं, जो समस्या ले करके आते हैं, उनका हम निस्तारण करते रहते हैं।